माँ के बच्चे को दिन रात एक कर डॉक्टर व नर्स ने दिया नया जीवन। एक माँ के खून स्वस्थ होने पर बच्चे के परिजन आए देने। बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद माँ की हो गई थी मृत्यु। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आपने खुद सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सच कर रहा है पन्ना जिला चिकित्सालय का SNCU वार्ड, जहां पर लगभग एक माह पूर्व एक नवजात बच्चे को डिफिकल्ट कंडीशन में भर्ती किया गया था और NSCU वार्ड प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र चतुर्वेदी ने बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन ठीक वार्ड के डॉक्टर व नर्स स्टाफ को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। अब ये बच्चा बिन माँ का हो गया है और बच्चे को अकेला ही छोड़कर SNCU वार्ड में माँ की बॉडी को लेकर उसके परिजन गांव चले गए। लॉकडाउन के कारण परिजन बच्चे को देखने जिला चिकित्सालय पन्ना भी नहीं आ पाए। ऐसे में जिला चिकित्सालय की SNCU वार्ड में बिन माँ के बच्चे का इलाज से कोई भी उसे किसी भी प्रकार की कमी ना हो उसका पूरा ध्यान लगाकर SNCU वार्ड के डॉक्टर व नर्सों ने मानवता की एक विशाल तस्वीर सामने रखी और उसे स्वस्थ कर दिया। वहीं बच्चे के पिता का कहना है कि बच्चा बहुत कमजोर पैदा हुआ था और बच्चा पैदा होने से उसकी माँ की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके चलते बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद माँ की मृत्यु हो गई थी और हम लोग बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर बच्चे की माँ की बॉडी लेकर अंतिम संस्कार के लिए गांव चले गए थे। लॉकडाउन के चलते पन्ना जिला चिकित्सालय आने नहीं मिलता था, लेकिन SNCU वार्ड में मेरे बिन माँ के बच्चे को यहाँ के डॉक्टर व स्टाफ नर्सों ने भगवान बनकर मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। वहीं SNCU वार्ड के प्रभारी का कहना है कि यह बच्चा जब भर्ती हुआ था काफी कमजोर और डिफिकल्ट कंडीशन में था, लेकिन हमने व हमारे स्टाफ नर्सों ने मिलकर इसे दिन रात एक करके इसे ट्रीटमेंट देकर स्वस्थ कर दिया है। इतना ही नहीं, इसे ब्लड की कमी थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज सेवियों के द्वारा इससे ब्लड उपलब्ध कराया गया, जिससे आज ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ है और आज उसके परिजन उसे लेने आ गए हैं, जिसे हम अब डिस्चार्ज करके उसके घर भेज रहे हैं। बच्चे का जन्म हुआ था 21 तारीख को, 21 के बाद दो रोज माँ उसकी जिंदा रही, दूसरे दिन खत्म हो गई, तीसरे दिन यहाँ से लेके गए, बच्चा यहाँ था अस्पताल में, हम लोग चले गए। फिर इसके बाद मैं आया था 8 तारीख को, 9 को जो है तो दूसरे आदमी आए थे, मेरा भाई आया था, फिर दूसरा आया था। बच्चे को अकेला कहाँ छोड़ गए थे? यहाँ अस्पताल में छोड़ गए थे सर। बच्चे की किसने क्या की देख रेख? सब देख रेख नर्सों ने की सर। अब कैसा है बच्चा? अब तो ठीक है सर। कितने दिन हो गए आपके बच्चे को? बच्चे के आज की तारीख है, हो गए आपके बच्चे के? जी सर 20-25 दिन हो गए। अब ठीक है बच्चा? ठीक है सर। कहाँ लेकर जाओगे? अब घर लेके जाएंगे सर। कैसे रखोगे वहाँ पर? सर उसको रखेंगे सुरक्षित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू सर। दिनांक 21 अप्रैल को ऑपरेशन के द्वारा कमला प्रजापति ने एक कम वजन के शिशु को जन्म दिया था। अगले दिन माँ की मृत्यु हो गई थी, उसके परिजन इस बच्चे को SNCU में भर्ती कर चले गए थे। क्योंकि बच्चा कम वजन का था, उसकी जांच कराई गई थी, इसमें बच्चे को इन्फेक्शन एवं पीलिया पाया गया था, इसका इलाज किया गया। काफ़ी दिनों तक बच्चे का इलाज चलता रहा, उसके बीच में टोटल ड्यूरेशन में एक या दो बार ही उसके परिजन बच्चे को देखने भर आए थे। इसके अलावा उसके परिजनों ने यहाँ पर बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने की या किसी तरह से कोई प्रयास नहीं किया। बच्चे का पूरी तन्मयता के साथ इलाज किया गया। इस बीच में बच्चे को खून की कमी हुई, जिसके लिए व्यक्तियों से संपर्क, चूँकि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था, ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत कम पाए जाते हैं, इसके लिए कई व्यक्तियों से संपर्क किया गया, जिसमें एक समाज सेवी अजयकांत खरे जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। उनसे ब्लड लेकर बच्चे को 3 भाग में प्रतिदिन ब्लड लगाया गया। धीमे धीमे बच्चे की स्थिति में सुधार होता रहा। आज बच्चे की स्थिति पूर्ण स्वस्थ थी एवं बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके परिवार वाले आज उसके परिजन बच्चे को लेकर चले गए हैं।